अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइवर से रिलेटेड जो वेबसाइट है, जो फाइवर की अल्टरनेटिव वेबसाइट है, वो वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आपको फाइवर के निस्बत जो है ना, वो वर्क जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इसमें फाइवर में और जो वेबसाइट आपको बताने वाली हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। जैसे फाइवर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो न्यू सेलर होते हैं वहाँ पे जाकर अर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो फाइवर से रिलेटेड या फाइवर से अल्टरनेटिव वेबसाइट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, उसका ट्रस्ट लेवल बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद आपके पास जो जो स्किल है, आप जिस तरह फाइवर पे सर्विसेज को सेल आउट करते हैं, ऐसे यहाँ पे आपने अपनी जो सर्विसेज हैं उसको सेल आउट करना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा जी, उस वेबसाइट के बारे में आपको बताने लगी थी जो फाइवर से की तरह है, फाइवर से अल्टरनेटिव वेबसाइट है। आप देख सकते हैं उस वेबसाइट का नाम है जी वर्क आना, ये इस वेबसाइट का नेम है। अब आपने यहाँ पे रजिस्टर भी फ्री में होना है, मीन आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिक्वायर है, ठीक है जी। तो पहले हम इसका ट्रस्ट लेवल देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने स्कैम एडवाइजर में मूव ऑन किया और स्कैम एडवाइजर पहले इसका ट्रस्ट लेवल देखना है कि ये वेबसाइट हमारे लिए ट्रस्ट वर्थी भी है कि नहीं, तो फिर हम इसके ऊपर काम करना, इस पे गिग बनाना, इस पे सर्विस को सेल आउट करना सीखेंगे। तो आप देखेंगे इसका ट्रस्ट रेट जो है ना वो हाई है, मीन इसका ट्रस्ट स्कोर जो है ना 100/100 है, मीन ये आपके लिए ट्रस्ट वर्थी है, ये आपके ही वर्क करेगी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं जी वेबसाइट की तरफ। तो ये वेबसाइट आपके सामने है, आपने कुकीज़ को सेट करना है। वेलकम टू द न्यू इरा ऑफ वर्क, वी कनेक्ट द बेस्ट इंडिपेंडेंट टैलेंट विद द बेस्ट कंपनीज, ठीक है। अब जैसे आप फाइवर पे काम करते हैं वहाँ पे आप अपनी सर्विस को सेल आउट भी करते हैं और आप एज अ बायर भी काम करते हैं, उसी तरह ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे भी एज अ सेलर भी काम कर सकते हैं, एज अ बायर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं, इसका ट्रस्ट लेवल हमने देख लिया। यहाँ पे देखते हैं क्वालिफाइड टैलेंट, देखें रियल वर्क डन, क्वालिफाइड टैलेंट, रिमोट टीम्स ऑन डिमांड, ठीक है। फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ स्किल्स, आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्किल्स मिलती हैं, कौन कौन सी स्किल्स मिलती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्केलेबिलिटी एंड एजिलिटी, ठीक है। योर टैलेंट इज योर, मेक इट वर्क फॉर यू, ज्वाइन वर्क आना एंड फाइंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर टैलेंट। अब यहाँ पे आपको क्या फायदा होगा, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इंटरनेशनल आपको जो है क्लाइंट्स मिलेंगे, इंटरनेशनल आपके प्रोडक्ट्स होंगे। वर्क इन योर वॉन लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। और कम्युनिटी ऑफ कलीग्स, ठीक है जी। बूस्ट योर बिजनेस विद वर्क ऑन अ बिजनेस, द बेस्ट टैलेंट टूडे इज इंडिपेंडेंट एंड रिमोट, एड प्रोफेशनल टू योर कंपनी विद स्पेसिफिक स्किल्स विदाउट इंक्रीजिंग योर हेड काउंट। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्कवर एक्सपर्ट विद स्किल यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ पे जो स्किल्स हैं यहाँ पे आपको आईटी से रिलेटेड भी स्किल मिल जाएगी, जिसमें वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है और वर्डप्रेस भी आ जाता है, ई कॉमर्स भी आ जाता है और एप्स प्रोग्रामिंग। जैसे आपको फाइवर पे आईटी से रिलेटेड जो है ना स्किल्स मिलती थी, और डिजाइनिंग में आपको लोगो डिजाइनिंग की भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, वेब डिजाइनिंग की भी, इलस्ट्रेशन की भी आ सकती है, और मार्केटिंग में कम्युनिटी मैनेजमेंट, एसईओ, एडवर्टाइजमेंट ऑन गूगल एंड फेसबुक। फाइंड वॉट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना वो हम सेल आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आई टी ए प्रोग्राम की सर्विसेज मिलेंगी, उसके बाद आपको डिजाइनिंग एंड मल्टी मीडिया, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, मतलब आप यहाँ पे टाइपिंग जॉब भी गेन कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, वही स्किल्स जो फाइवर पे हैं यहाँ पे वही स्किल है, एडमिन स्पोर्ट, लीगल, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है ना साइन अप करते हैं, कैसे साइन अप करना है। आपने यहाँ पे काम करना है एज अ फ्रीलांसर हायर, आपने यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम करना है या फिर आपने फ्रीलांसर को हायर करना है। तो अप्लाई एज अ फ्रीलांसर, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे एज अ फ्रीलांसर। जब आप एज अ फ्रीलांसर करेंगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, साइन अप करना है, उसके बाद अपना यूजर ईमेल आपने देना है।
क्रिएट योर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे आपने फील्ड एंड स्किल, प्रोफेशनल प्रोफाइल और एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आपने अपनी जो है आपने अपनी स्किल फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको आईटी से रिलेटेड भी मिल जाएगी स्किल, आपको यहाँ पे आईटी एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी स्किल भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, तो मुझे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की स्किल जो है वो गेन करनी है, यहाँ पे काम करना, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। जब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे उस पर पूछेगा हाई अर्न विटेक वेलकम, व्हाट प्रोफेशनल फील्ड आइडेंटिफाई यू विद इन योर प्रोफेशनल एरिया, व्हाट डू यू स्पेशलाइज इन। अपने यहाँ पे बताना है कि मेरा जो है वो राइटिंग के अंदर एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे यूएस राइटर है, अकेडमिक राइटर है, अरेबिक स्पेनिश ट्रांसलेटर है या आर्टिकल राइटर है। तो जो एक मैंने इसको बताया कि मैंने उसमें राइटिंग के अंदर काम करना है। अब राइटिंग में आगे फर्दर स्किल्स पूछ रहे हैं कि आपने आर्टिकल राइटिंग करनी है, ब्लॉग राइटिंग करनी है, कमर्शियल राइटर है, कॉपी राइटर है, इंग्लिश स्पेनिश ट्रांसलेटर है। तो जो भी आप जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है आप उसको यहाँ पे जो है ना वो कर सकते हैं सिलेक्ट। लाइक जिस तरह मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया जी आर्टिकल राइटर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्किल्स हाईलाइट अप टू 3 ऑफ योर प्रोफेशनल स्किल्स। आपने यहाँ पे अपनी 3 प्रोफेशनल स्किल्स हाईलाइट करनी है। जैसे फायर पे अपनी गिग्स बनाते हैं ना, यहाँ पे भी आपने अपनी स्किल्स को क्या करना है, हाईलाइट करना है। उसमें जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, पीएचपी ग्राफिक है, पीएचपी अडोबी आर्टिकल राइटिंग, ठीक है जी, आर्टिकल राइटिंग स्किल ऐड कर दी। उसके बाद एंटर योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास आर्टिकल राइटिंग का कितना एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का है, 1 to 2 ईयर का है, 3 to 5 ईयर का है, तो यहाँ पे आप ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाईलाइट अप टू 3, आपको यहाँ पे 3 स्किल्स अपनी हाईलाइट करनी है। उसमें वर्डप्रेस का, कॉपी राइटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, इलस्ट्रेशन, और यहाँ मैंने ऐड किया एससीओ के अपनी स्किल ऐड की, एससीओ की मैंने स्किल ऐड की, और एससीओ में 1 ईयर का अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो ऐड अप कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी नेक्स्ट स्किल ऐड अप करनी है जिसमें जो है एपी अडोबी आईफोन ब्लॉग्स गूगल एडवर्ड्स फीचर राइटिंग ट्रांसक्रिप्शन वेब डिजाइनिंग रिसर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी सिलेक्ट कर लिया। उसमें मैंने कहा जी जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा आप इसको ऐड अप करते जाएगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है जी। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। प्रोफेशनल प्रोफाइल, यू आर डूइंग ग्रेट अर्न वी टेक, इट्स टाइम टू गेट टू नो अ लिटल मोर अबाउट यू। अच्छा जी, प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपने अपना नंबर यहाँ पे एडअप करना है। नंबर एडअप करने के बाद जो है आपने बताना है विच ऑफ टू दीज टू डेफिनेशन सूट यू बेस्ट। आप इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, आप एज अ एजेंसी काम करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ चीजों को फिलअप करना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने फिलअप करना है। यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर देना, फोन नंबर देने के बाद इंडिपेंडेंट एजेंसी, उसके बाद आपने अपने लिंक्डइन का यहाँ पे क्या करना है कि प्रोफाइल एडअप करनी है लिंक्डइन की। तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिएगा, तो लिंक्डइन का प्रोफाइल मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया लिंक्डइन की प्रोफाइल। ठीक है जी, लिंक्डइन की प्रोफाइल मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। उसके बाद आपने अपने बारे में बताना है, अपने स्किल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एक कंटेंट राइटर की स्किल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई एम एक्सपर्ट content writer and advertiser. I can rank your article on Google first page and grow your business through social media marketing. ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने बारे में बताकर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अब सेलेक्ट करनी है आपने लैंग्वेज जिसमें आपने काम करना है, जिसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। उसके बाद लेवल ऑफ नॉलेज आपके पास कितना है, आप एज अ बिगनर हैं, इंटरमीडिएट, एडवांस हैं या नेटिव इंग्लिश है। तो
लैंग्वेज का और आपसे लेवल पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जी इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल, आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो अगर ऐड करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो ऐड अप कर सकते हैं, लिंक टू योर पोर्टफोलियो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप लिंक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, विदाउट पोर्टफोलियो भी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट नंबर ऐड करने के बाद जैसे आप अपना डाटा वगैरह पुटअप करेंगे, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड अप करेंगे, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कर लिया, और थर्ड आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। लास्टली लेट्स रिव्यू योर वर्क एक्सपीरियंस टू सेव यू ट्रबल। यू मे इम्पोर्ट योर एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लिंक्डइन और यू कैन ऐड एंड एडिट मैनुअली। तो आप इसको लिंक्डइन से भी ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मैनुअली भी ऐड अप कर सकते हैं। मैंने मैनुअली भी क्लिक किया, और मैनुअली भी क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे एड एक्सपीरियंस, पोजीशन, कंपनी, ब्रीफ, डिस्क्रिप्शन, स्किल अप्लाई, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इमेज, ठीक है जी। यहाँ पे आप ऐड अप कर सकते हैं, लाइक जिस तरह यहाँ पे जो है पोजीशन जो थी वो एक पोजीशन कंटेंट राइटर थी है, ठीक है। कंपनी जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्क एज कंटेंट राइटर ऑन दिस वेबसाइट। आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क विद दिस वेबसाइट। जी आपने जहाँ पे काम किया होगा आप उसको ऐड अप कर सकते हैं, चाहे वो फाइवर भी हो सकता है, अपवर भी हो सकता है, गुरु.com भी हो सकता है, फ्रीलांसर भी हो सकता है। आपने जहाँ जहाँ पे एज अ कंटेंट राइटर काम किया आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट डेट जो है ना वो ऐड अप कर सकते हैं। यहाँ मैंने यहाँ पर रैंडमली डेट जो है ना वो ऐड अप कर दिया। तो उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको मैंने जो है वो कंटिन्यू कर दिया। अच्छा जी, प्रोफाइल कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। गो टू स्टार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है, और इनकी तरह से मुझे एक ईमेल आई होगी, उस ईमेल के थ्रू मुझे अपने अकाउंट को जो है ना वो एक्टिव करना होगा। ये देखिए जी, मुझे यहाँ से इनकी ईमेल आ चुकी है, इससे मतलब एक्टिव योर अकाउंट मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है जी। आप देखें आपकी जो प्रोफाइल जो है ना यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, अकाउंट भी एक्टिव हो गया, प्रोफाइल इज पेंडिंग मॉडरेशन, आर यू कॉन्फिडेंट यू विल राइट इन मोर पर्सनल, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे योर करंट लेवल इज आप शेयर कर सकते हैं, अवेलेबल कनेक्ट्स, वीकली कनेक्ट्स, और स्टार्ट वर्किंग और वर्क करना, सेटिस्फाई क्लाइंट। यहाँ पे जितना भी आपने काम किया होगा ना आपको यहाँ पे सब कुछ जो है ना यहाँ पे मिलेगा कि आपने यहाँ पे कितना वर्क किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे माई फाइनेंस में आपने देखना है अकाउंट मूवमेंट, क्रेडिट, विदड्रॉ मेथड और इनवॉइस। विदड्रॉ मेथड जो है, अच्छा जी, विदड्रॉ मेथड इनका पियोनियर है, ठीक है जी। यहाँ से आप पैसे जो है ना वो पियोनियर के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, साइन अप क्लिक करेंगे, साथ एक ऑप्शन आएगी साइन इन, अपना पियोनियर का अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं, तो आप अपनी पेमेंट जो है जैस कैश के थ्रू भी ले सकते हैं। उसके बाद माई प्रोजेक्ट एज अ फ्रीलांसर इन्विटेशन, और फाइंड वर्क भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है लाइक जिस तरह यहाँ पे लिखें जी,
अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे लुकिंग फॉर अ कॉपी एडिटर एंड प्रूफ रीडिंग फॉर कंटेम्प्रेरी, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है, आप कितना डॉलर पे किया जा रहा है, 500 से 1000 डॉलर आपको पे किया जा रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, बिड करना है। ये यूनाइटेड किंगडम से है, ठीक है। अच्छा ये बात मैं बताती जाऊँ, यहाँ पे वॉइस सिस्टम है जो अपवर्क पे है। जैसे अपवर्क पे होता है को आपकी रेटिंग होती है क्लाइंट की यहाँ पे शेयर ना, तो आपने रेटिंग चेक आउट करनी है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट की कोई रेटिंग नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे रेटिंग है, इट्स मीन आप इसका काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी पेमेंट वेरीफाई, मतलब इसने बाकी क्लाइंट्स को तंग नहीं किया हुआ पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो काम का, आई नीड बैक लिंक फ्रॉम रियल एस्टेट वेबसाइट फ्रॉम दिस कंट्री टाइप स्टेट एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको रियल एस्टेट सेल्स एड्स मैनेजर कॉपी राइटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपनी स्किल के हिसाब से इसको यहाँ पे चला सकते हैं। हायरिंग राइटर फॉर टेक्नोलॉजी वेबसाइट, तो आप देखिए आपको यहाँ पे $50 से $100 जो है ना वो आपको पे किया जा रहा है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अपना पोर्टफोलियो एडअप करना है और यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देना है। मैंने आपको जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करना सिखा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे अगर हमने कोई वर्क फाइंड करना है, फिर उसके बाद माई प्रोजेक्ट, अगर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है एज अ फ्रीलांसर, आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद माई फाइनेंस, मैंने आपको बता दिया अपने पैसे जो है ना वो कैसे, अभी तक जो मैंने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है मेरी, जो मैंने एक्सपर्टी सेलेक्ट किया, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैंने पेमेंट मेथड बता दिया कि आपने पैसे कैसे विड्रॉ लेने हैं, आपने पियोनियर से पैसे जाना वो विड्रॉ लेने हैं। तो आप, मैंने तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की स्किल सेलेक्ट किया है, तो अगर आपके पास कोई और स्किल है तब उसको भी यहाँ पे एडअप करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।